दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके। आज हम जरूर बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप करके महीना में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से मशीन खरीदना होगा, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, ये मशीन कहाँ से खरीदेंगे, इसका ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, इसका मार्केटिंग कहाँ करेंगे, ये प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे तो ये सब पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बताएंगे। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पेपर नैपकिन बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को शुरू करके कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, कहां से आपको मशीन मिलेगी और कैसे आपको इसको शुरू कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना खर्चा आएगा, इन सब सब्जेक्ट्स पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी जैसे बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। पेपर नैपकिन का इस्तेमाल साफ़ सफाई की दृष्टि से ज़्यादा ही किया जा सकता है, लेकिन आप इसको कहीं भी यूज़ होते हुए देख सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स और बड़े बड़े ऑफिस, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स, यहाँ तक कि आजकल इसका उपयोग लोग घरों में भी करने लगे हैं। इसलिए इसके बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है इसको शुरू करने के बाद। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे शुरू किया जा सकता है और क्या क्या इसके लिए ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको एक मशीन की ज़रूरत होगी जिससे कि इसको बनाया जाता है। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं क्या क्या और ज़रूरत है, तो आपको 3 लेबर की ज़रूरत होगी। एक स्किल लेबर, मान लीजिए उस पर आप 15,000 रुपये महीने का खर्चा करते हैं, और 2 अनस्किल लेबर जिस पर आप लगभग 5,000-5,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 10,000 रुपये उन पर भी खर्चा करते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी बिजली की, जिसमें आप लगभग 3.5 किलोवाट पावर का कनेक्शन होना अनिवार्य है, जिसका खर्चा मान लेते हैं लगभग 5,250 आएगा प्रत्येक महीने। इसके अलावा प्रिंटिंग, इस पर आपको लगभग 10,000 रुपये खर्चा होगा प्रत्येक महीने, और कार्टून बॉक्स इत्यादि पर आपका लगभग 8,500 रुपये खर्चा हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट और रॉ मटेरियल की बात करें तो लगभग 5,000 रुपये इस पर भी खर्चा आएगा। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, इस तरह के सामानों में अगर 500 रुपये खर्चा मान लें तो इस तरह आपका एक महीने का टोटल खर्चा हो जाएगा 54,250 रुपये। अब बात कर लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा मशीन से। और तो देखिए, मशीन को मान लेते हैं आप दिन में 10 घंटे चलाते हैं, 10 घंटे चलाने के बाद और महीने में एवरेज मान लेते हैं कि आपने केवल 25 दिन ही चलाई, तो 1 किलो जो रॉ मटेरियल होता है उसमें लगभग 600 पीस नैपकिन के बन जाते हैं, और एक पैकेट में लगभग 50 पीस के हिसाब से मार्केट में ये सेल होता है। तो अब देख लेते हैं कि पर आवर कितना प्रोडक्शन होता है। प्रत्येक घंटे में इससे लगभग 45 किलोग्राम नैपकिन को आप तैयार कर सकते हैं। पर डे की बात की जाए तो ये हो जाएगा 450 kg, और अगर महीने से डिवाइड कर दें तो 11,250 किलोग्राम नैपकिन का उत्पादन होगा प्रत्येक महीने। अब इसका थोड़ा निकाल लेते हैं कि क्या क्या कितना खर्चा हुआ और कितना इससे प्रॉफिट होगा। तो देखिए, एवरेज कॉस्ट इसकी जो होती है लगभग 60 रुपये पर केजी होती है, और पर मंथ मिनिमम कॉस्ट अगर निकालें तो 60 × 11,250 तो हो जाएगा 6,75,000 रुपये। और प्रोडक्शन कॉस्ट पर मंथ जो हमारा था, यानी कि जो खर्चा था, वो था 54,250 रुपये। टोटल खर्चे की अगर बात करें तो एक महीने में तो हो जाएगा 7,29,000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वेस्टेज भी हो सकता है, 1% अगर वेस्टेज भी माने तो 11,250 किलो हमने जो उत्पादन किया था उसमें 1% निकालें तो लगभग 112 kg इसका वेस्टेज हो जाएगा। टोटल हमारे पास प्रोडक्शन बचा 11,137 kg। एक किलो का जो रॉ मटेरियल होता है उसमें लगभग 600 पीस नैपकिन बन जाते हैं। अब हमारे पास
जो सेफ बचा रो प्रोडक्शन वो है 11,137 केजी, जिसको 600 से गुणा कर दिया जाए तो 66,82,500 पीस बन करके तैयार हो जाते हैं। 66,82,500 पीस इनको डिवाइड करते हैं 50 पीस पर पैकेट के हिसाब से, तो टोटल बन जाएंगी हमारी 1,33,650 पैकेट हैं। एवरेज इनका अगर हम बेचने का प्राइस निकालें तो एक पैकेट लगभग 6 रुपये में सेल होती है, और 6 रुपये में एक पैकेट सेल हो रही है, टोटल हमारे पास 1,33,650 पैकेट हैं, तो इसका हो जाएगा 8,01,900 रुपये, यानी कि आपने 8,09,100 रुपये की इसको सेल कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि आपका तो पहले आपने मशीन भी खरीदी थी और बहुत सारी चीज़ों को लगाया था, तो आपका खर्चा पहले साल कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लगभग 7,29,250 बैठा था, और आपने सेलिंग करने के बाद जो पैसा आपको आया वो सारे खर्चे काटने के बाद वो 8,01,900 था, उसमें से आप 7,29,250 को अगर घटा देंगे तो 72,650 रुपये का आपका प्रॉफिट बैठेगा प्रत्येक महीने का। अगर ये अभी देखिए आपने, क्योंकि अभी सारा खर्चा किया है मशीनरी इत्यादि पर, ये खर्चा आपका हर बार नहीं होगा, सिर्फ एक बार हुआ है, अगली बार से आपको इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करेगा प्रत्येक महीने। तो दोस्तों ये था पेपर नैपकिन बिजनेस का पूरा डिटेल कि कितना इससे लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा। और हाँ, मशीन की अगर कीमत की बात करें तो ये मशीन आपको मार्केट में लगभग 4 से 6 लाख के बीच में मिलती है, टोटल खर्चा आपका आ जाता है 7,29,000, जो कि मैंने अभी बताया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं, जिनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मशीन या रॉ मटेरियल से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नंबर है, आप उनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में एक नए बिजनेस प्लान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।